प्यारे दोस्तों, च्यवनप्राश बनाने का जो प्रोसेस है, ओशो आयुर्वेदा बब्बनपुर की तरफ से आपको तीन वीडियो जो पहले दिखा चुके हैं। अब काढ़ा बनाने का जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो जो जड़ी बूटियां डलेंगी वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 10 मूल कवाथ, बड़ी पिपल, पिपड़ा मूल, काकड़ा सिंगी, गिलोय, हरड़ का छिलका, द्राक्ष, खंटेरी, पंचांग, भूमि आमला, बासा पंचांग, कचूर, नागर मोथा, पोखर मूल, पुनर्नवा मूल, मर्दपर्णी, माशपर्णी, कमल पुष्प, लाल चंदन, जीवंती, अष्टवर्ग की कुछ आइटमें मिली हैं। पूरा अष्टवर्ग आजकल नहीं मिल रहा, इसलिए 8 में से 6 चीज डल गई हैं। उसके बाद अश्वगंधा, सतावर, कंटकारी, गोखरू, ये चीज़ें जो है इसमें डाली जाती हैं। खांड की जगह हम मिश्री डालेंगे, शहद बाद में डाला जाएगा। गाय का घी पहले डाल के आपको दिखा चुके हैं। उसके बाद तेज पत्ता, नागर मोथा, जायफल, लौंग, दालचीनी छोटी, इलायची, बंसलोचन, पिपल बड़ी, केसर वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये च्यवनप्राश बनने के बाद प्रक्षेप के रूप में बाद में डाला जाएगा। और हम अपनी तरफ से कुछ भस्म वगैरह स्पेशल वो अलग से डालेंगे, जिन भाइयों को ज़रूरत पड़ेगी, जिन जिन लोगों का ऑर्डर आया हुआ है उनके लिए ये भस्में डाल के भी दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इतना